जापान के टोक्यो में जारी ओलंपिक खेलों के दौरान एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कोच महिला जूडो एथलीट को मैच से पहले थप्पड़ ही थप्पड़ जड़ रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है के रिंग में महिला जूडो एथलीट के उतरने से पहले कोच उनको थप्पड़ जड़ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। दरअसल जापान के टोक्यो ओलंपिक 2020 की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर बज रही तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज भी हर जगह सुनाई दे रही है। खिलाड़ी खेल में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से दुनिया भर के लोगों का दिल जीत रहे हैं, साथ ही खिलाड़ी भी अपनी जीत का खुलकर जश्न मना रहे हैं। ओलंपिक से कई तरह की खबरें आ रही हैं, कहीं किसी की आंखों में खुशी के आंसू देखने को मिलते हैं तो कहीं कोई खिलाड़ी फिर से ये उम्मीद लेकर वापस जा रहे हैं कि वो अगली बार बेहतर तैयारी के साथ वापस आएंगे और मेडल जीतेंगे। खिलाड़ियों के जोश और उत्साह की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको शॉक्ड कर दिया है, जिसमें जर्मन जूडो प्लेयर मार्टिना मैच के लिए जा रही थी तभी उनके कोच ने उन्हें कई थप्पड़ जड़े। इस नजारे को देखकर लोग दंग रह गए। ये वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। कोच की इस अजीब हरकत का वीडियो लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था। दरअसल हुआ ये कि जर्मन जूडो प्लेयर तारजूस मैच के लिए जा रही थी तभी उनके कोच ने एक ऐसी हरकत कर दी कि सब देखते ही रह गए, और वो भी लाइव टीवी पर। बता दें कि मंगलवार दोपहर को तारजोस का मैच हंगरी की सोचवी ओजबस के साथ था। ये उनका एलिमिनेशन राउंड था। हालांकि तारजोस एक फाइट हार गई, लेकिन उससे पहले जो उनके कोच ने उनके साथ किया वो जनता की नजरों में अटक गया। उन्होंने मैच में जाने से पहले उसे थप्पड़ मारे और हिलाकर रख दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे उनके कोच उन्हें पहले हिलाते हैं और फिर हल्के हल्के से दो थप्पड़ मारते हैं। इसके बाद वो मैदान में उतरती है।